नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल GUST में। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ वाली लाइफ में और ग्लैमरस लाइफ में लोग अपने चेहरे की, अपने जो भी खुले अंग हैं उनकी देखभाल तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जो लोगों को दिखाई देता हो। लेकिन वो इंटरनल एरिया जो दूसरों को ना दिखाई देता हो, उसके प्रति कोई ध्यान नहीं देते हैं कि उनका प्राइवेट पार्ट काला हो जाता है। शरीर के बाकी हिस्सों की तरह प्राइवेट पार्ट की सफाई भी दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। पसीने और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार प्राइवेट पार्ट कालेपन का शिकार हो जाता है। कई लोग यहाँ की सफाई को शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में इग्नोर करते हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जितना हम बाहरी त्वचा और बाहरी चेहरे, बाहरी हाथों की देखभाल करते हैं, उससे ज़्यादा हमें अपने इंटरनल एरिया को क्लीन और अच्छा दिखना चाहिए, ताकि हमें खुद को अच्छा महसूस हो सके, दूसरों को नहीं। ये चीज़ें हम अपने लिए करते हैं, हमें अच्छा महसूस हो सके। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जो आपके प्राइवेट एरिया, बिकनी लाइन एरिया के कालेपन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करेगा, अगर आप ये हमेशा करते हैं तो। तो चलिए देख लेते हैं ये टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं। दोस्तों, देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखने को मिल सके। सबसे पहला नुस्खा है दोस्तों, उसमें लेना है आपको चावल का आटा, फिर हम इसमें डालेंगे ये बेकिंग सोडा। आपके पास इस तरह से पॉकेट में होगा, इस तरह का आप बेकिंग सोडा ले लें, और पॉकेट में मिलता है ये, और ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 10 रुपए के मिल जाती हैं। आप ले लें और इसको जितनी क्वांटिटी आपने देखा उतनी क्वांटिटी में आप इसको डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे, और ये है रोज वाटर। इसको हम रोज वाटर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली। अगर आप चाहें तो इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है नींबू का रस। ये ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो। और इन चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और आपको इसको अपने प्राइवेट पार्ट्स पे अच्छी तरह से लगाना है, और इसको 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है। 7 से 8 मिनट के बाद आपको अच्छी तरह से इसको धो लेना है। ये प्रक्रिया आपको हर 2 दिन पे एक बार ज़रूर करनी चाहिए। आप इस पेस्ट को बना के रख भी सकते हैं और बाद में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसमें अब नींबू डाल रही हूँ। नींबू डाल करके इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं दोस्तों, जो कि आपके कहीं भी कालापन हो उसको दूर करने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि ये कैसा भी कालापन हो उसको काफ़ी हद तक रिमूव कर देते हैं। हाथों का कालापन हो, प्राइवेट पार्ट्स का कालापन हो, अंडर आर्म्स का कालापन हो, कहीं का भी कालापन हो, वो इसको दूर करते हैं। तो ये एक चीज़ आपके कई जगह के कालापन को दूर करेगी। देखिए, इस तरह से पूरे प्राइवेट पार्ट्स पे आपको लगा लेना है और 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ना है। दोस्तों, इसमें जो मैंने नींबू डाले हैं, बेकिंग सोडा डाली है, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, इनसे तो रिएक्शन हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। आप खुद यूज करके देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही सेफ है आपके लिए, और आपका प्राइवेट पार्ट धीरे धीरे आपका गोरा हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो आज का आपके लिए थोड़ा भी फ़ायदेमंद है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक अपना दे दें, ताकि हमें पता चल सके कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि दूसरों को भी इसका पता चल सके। अगली बार फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।